मंत्री के पास बहुत सारी औरतें आती थी। हानिया कौन है, उसी फायजा कौन है, बिल्कुल। जब बेटी को बाहर भेजते थे आमिर अपने नौकरों के साथ, ये सब देखें, ये नौकरों को क्यों छुपवा रही है, बात सुने, जो उसके ऊपर थे, उसकी लाश के ऊपर थे, ये तमाम नौकरों को क्यों इसने सीने से लगाए हुए जी। वो अच्छा है, वो मुझे कहता है जहाज पे ना आए, बाई एयर आए, बाई रोड आए। वो अपनी बीवी के पास आता था ना, वो अपनी बीवी के पास आता था बाई रोड। ये सब नौकरों को पकड़ा जाएगा, उनके साथ जो मुमताज है, अब्बास है, जो इनके खास है आमिर के। आमिर अपनी जिंदगी में आके कह सकता है कि मैंने अपनी बीवी को माफ किया, और बेटी का क्या तुक बनता है, वो FIA में आकर केस करवा दिया, जो वीडियो वायरल, जो कि इनके पास प्रूफ ही नहीं है। हम इस बात का हलफ उठाने के लिए तैयार है, और इस बीवी ने जो झूठ का नकाब ओढ़ा हुआ है, जो ये रोल विलन वाला कर रही है, वो इंशाल्लाह विलन की जो वो होती है ना अपना ताकत, वो बहुत कम होती है। सच की और रब को आवाज देने वाले की, वो सच सच होता है। इंशाल्लाह हमारे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ये हमारा केस लड़ रहे हैं, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है, अल्लाह से हमें पूरी उम्मीद है, देर से ही दुरुस्त, लेकिन इंशाल्लाह जीतेंगे, और आमिर बेटे के कत्ल को सामने लाएंगे। जिस दरिंदगी से इसने कत्ल करवाया और उसको छुपा रही है, वो हम मामला जरूर लाएंगे इस दुनिया में। जो तशद्दुद किया है आमिर बेटे को, उसके जिस्म पर फाड़ के जिस्म उसका रख दिया है, जिसको ये बीबी छुपवा रही है, और वो उसकी बेवा है, उसे पूरा हक है। मेरी कानूनी तमाम बड़े इदारों से अपील है कि इस केस को देखें। अल्लाह के जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो हमने अपने नबी अल्लाह के पास ही जाना है, इस दुनिया में सच को लाया जाए और ऐसे ना किया जाए। अगर ऐसा करेंगे, इस लाश को छुपाएंगे, इस कत्ल को छुपाया जाएगा, तो ऐसे 100 आमिर कत्ल होंगे, 100 लोग कत्ल होंगे और छुपाए जाएंगे। उनके जो नाजायज वारिस हैं, ये भी नाजायज वारिस है, बच्चे इसके सामने है, वो बात करें, जो वारिस है बेटा है वो बात करे, बेटिया है वो बात करे, इसका कोई हक नहीं बनता। ये अब आमिर आमिर करे, आमिर का रिश्ता ही इसके साथ कोई नहीं है, ये तो ये अपनी जबान पे नाम लेना भी नामहरम है। दानिया आमिर है, वो आमिर की बात दानिया कर सकती है, उसकी बेवा है, बीवी है, जो अल्लाह ने बनाया है रिश्ता, वो बात कर सकती है कि मेरा खामद है, मेरे खामद के साथ ज्यादती हुई है, और मुझे कत्ल की सारी, उसकी मरने की पूरी तहकीकात चाहिए। हम चाहते हैं उसकी तहकीकात चाहिए, और ये हम पे इल्ज़ाम लगा रही है। अब मुझे भी कह रही है आपको भी ठकवाऊंगी, जी बिस्मिल्लाह। हम हर दर्द सहने के लिए तैयार हैं, अल्लाह ने हमें ताकत दी है, अल्लाह पाक ने अपने प्यारों पे भी आजमाइशें डाली हुई थी, हम भी उनकी उम्मत हैं, हम इन आजमाइशों से पार हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से।